नोएडा सेक्टर 62 का आईसीआईसीआई बैंक। इस वक्त हम यही मौजूद है और इस बैंक के बाहर आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोगों के चेहरे हैं वो उतरे हुए हैं, क्योंकि इंतजार की भी एक हद होती है, लेकिन अब क्या करें जब इंतहा हो गई इंतजार की। नंबर आता रही है, सुबह 6 बजे से ये लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन जो बैंक है, बैंक ने पहले ही बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है कि जो बैंक की टाइमिंग्स है वो सुबह 9:30 से लेकर शाम को 4 बजे तक है, जबकि पीएम मोदी ने कहा था कि 8 to 8 बैंक अपना काम करेंगे। लेकिन ये बैंक की मनमानी कहिए या जो चाहे कहे, लेकिन बैंक ने खुले आम एक नोटिस चस्पा कर दिया है कि यहाँ पर सिर्फ 9:30 से 4 के बीच काम होगा। हालांकि लोगों का तो ये भी आरोप है कि 9:30 का टाइम सिर्फ इस नोटिस में लगा हुआ है, जबकि बैंक 10:30 बजे खुलता है, लेकिन ये लोग तो सुबह से ही आ चुके हैं। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, आपसे जानते हैं क्या परेशानी है, क्यों आप इतने परेशान हैं? सर, मेरे बच्चों की 21 तारीख को शादी है और मैं जो है ना बुध 6 तारीख के डेट में जो है ना मैं ICICI बैंक से जो है ना अपनी जो है ना 1 लाख रुपया निकाला। 8 तारीख के 9 बजे रात को जो है ना ये ऐलान कर दिया गया है कि 1000 का नोट 500 का नोट नहीं चलेगा। आज के डेट में सर रुपया लेके घूम रहा हूँ मार्केट से, कोई सामान नहीं मिल रहा, कोई टेंट वाला सामान नहीं ले रहा, कोई चेकबुक नहीं ले रहा, बैंक मुझे जो है ना 10,000 से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। अब सर ये बताओ मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, ये मुझे आप जवाब दो मुझे सर। कल दूसरे से ये देखिए हाथ में कार्ड है, खुशबू इनकी जो बेटी है उसकी शादी है, लेकिन कह सकते हैं कि जहाँ कैश होता है हाथ में वहीं खुशियां भी होती है, लेकिन जब कैश ही नहीं है तो भला कैसे बजेगी खुशबू की शहनाई, शादी कैसे हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसी समस्या इन सज्जन की नहीं बल्कि यहाँ मौजूद तमाम लोगों की यही समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं लोग गुस्से में है, बैंक ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, यहाँ पे 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद है, इसके अलावा पुलिस का भी पहरा है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, लोग गुस्से में आकर कोई आक्रोशित ना हो जाएं और कुछ इस तरह का कदम ना उठा ले, इसके लिए अलग से पुलिस बल भी पहुंचा है और बैंक ने भी जिम्मेदारी को देखते हुए यहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। महिलाएं मौजूद है यहां पे, हमने आपको पुरुषों का दर्द दिखाया कि पुरुष कैसे परेशान है, नौकरी छोड़कर वो बैंकों की लाइन में खड़े हैं। महिलाओं के सामने क्या कुछ परेशानी है ये भी दिखाते हैं आपको कि वो अपने घरों का काम छोड़कर यहाँ पे लाइन में लगी हुई है। मैडम क्या परेशानी आई आपके सामने, कौन बताना चाहता है वो किस तरह से क्या कुछ परेशानियां आपके सामने आ रही हैं नोट बदलवाने को लेकर? परेशानी हमें यही आ रही है कि हमें अपनी ड्यूटी छोड़ छोड़ के यहाँ लाइनों में लगना पड़ रहा है, और कल भी ड्यूटी, आज भी हमारी ड्यूटी छुट्टी हो, परसों भी, आज 3-4 दिन से हम बराबर ड्यूटी छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पर, और 2000 का कहीं खुला नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि बैंक आपको 2000 रुपए देता है, लेकिन पहली बात तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है कि 2000 रुपए आपको मिलते हैं, और उन 2000 में भी लिमिटेशन ये है कि आप उसे कहीं चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि जो 100 रुपए की करेंसी है वो पहले से ही उसकी शॉर्टेज चल रही है, यानी अगर आप 1200 का सामान लेते हैं तो भी आपका 2000 का नोट नहीं चलेगा, ये आप मान लीजिए, क्योंकि 800 रुपए आपको वापस देने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए कितने सारे लोग पहुंचे हैं, लाइन छोड़कर अपनी बात कहना चाहते हैं और ये आवाज उठाना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बैंक उनके साथ इस तरह का अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, तो ये करे तो करे क्या? ठीक है, जो किया है नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा किया है, कोई गलत नहीं, बात अच्छे बुरे की हम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या परेशानी है? परेशानी लाइन में लग के कराना पड़ता है और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ा परेशानी हम नहीं सहेंगे तो कौन सहने जाएगा, ये परेशानी आज सह लेंगे तो कल चल के हमें हमारे बच्चों को सहयोग मिलेगा, इसलिए हम इस बात से बहुत बड़ा सहमत हूँ। और हम क्या सहमत हैं, हमारे जैसे लाखों लोगों सहमति दे रखा है। देखिए एक नया एंगल भी आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ लोग परेशान हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो डिसीजन लिया है ये एक जल्दबाजी का डिसीजन है, लेकिन कुछ लोग इस फैसले को स्वागत भी करते हैं और कहते हैं कि अगर आज कुछ दिन की परेशानी है तो कल को हम एक अच्छा स्वच्छ और तंदुरुस्त भारत देखेंगे, क्योंकि जो डिसीजन लिया है ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सी परेशानी है लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और शायद पीएम मोदी का ये फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा काले धन को रोकने के लिए और साथ ही साथ एक स्वच्छ सुंदर और मजबूत भारत के लिए। इन लोगों का ये कहना है, लाइन काफी लंबी है, लोगों के चेहरे मायूस हैं, लेकिन मायूस चेहरों से भी एक दुआएं निकल रही हैं कि जो डिसीजन है वो उससे पूरी तरह से वाकिफ हैं। कैमरामैन कमलेश कमल के साथ नोएडा से गौरव सिंह, कोबरा पोस्ट के लिए।